ओम शांति। और ये सब आंखों देखा हाल है, क्योंकि जैसे कि किसी का कोई सौभाग्य हो ना, तो मेरा कुछ ऐसा ही सौभाग्य था जो मैंने देखा कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास, तो मम्मा का घर भी मेरे घर के पास। तो बाबा के घर में भी पहले ही लौकिक में कई बार जाना आना हुआ, कई चीजें उसी समय मैंने नोट की। उस समय भी मुझे बाबा के घर की सभी बातें बहुत अच्छी लगती थी, आकर्षण होती थी। पर ये तो मालूम नहीं था कि यही मेरा बाबा बनने वाला है और यही घर मेरा घर बनने वाला है। हम तो कहते जसोदा मैया के घर में जाते हैं, पर जसोदा मैया ही भगवान की हो गई तो हम सब भगवान के बच्चे, वो मकान भगवान का हो गया तो हम सब उसके घर में रहने लगे आने लगे। तो मम्मा का घर बाबा का बीच में पड़ता था, मेरा इस साइड में नस्तिक नस्तिक और मम्मा का इस साइड में ऐसे। तो मम्मा का आना कैसे हुआ, जहां तक मुझे पता है कि मम्मा के लौकिक फादर ने नस्तिक में शरीर छोड़ा हुआ था, इसलिए इसके माँ को थोड़ा सा दुख था। और तीन बच्चियां थी आपस में, मानो माँ को तीन बच्चियां थी, बच्चा कोई नहीं था। और जो छोटी बच्ची थी वो जैसे जैसे मम्मा की पर्सनालिटी थी ना, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी थी। जो बड़ी थी वो शादी करके गई हुई थी, फिर भी ज्ञान में आई, उनकी पर्सनालिटी और थी, उनकी और थी दोनों की। तो ये दोनों ही हैदराबाद सिंध में वहाँ स्कूल से जब गुजरती थी तो जोराब और फ्राक बम्बई की रहने वाली थी। जन्म मैंने सुना अमृतसर में हुआ, सुनाने पर देखा जिस मकान में हमारे दैवी परिवार का कोई घर था वो अपने घर में लेके गई, तो उसी ने बताया कि मम्मा का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। तो मैं कहा ये आपको कैसे पता लगा, फिर उन्होंने सारी हिस्ट्री सुनाई। तो मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ, परंतु विशेष पालना बम्बई में हुई, और इसके कारण बम्बई की पढ़ाई होने के कारण मम्मा का जो पहनावा था वो दोनों प्रकार से था, यानी जुराब और फ्राक, और बाल मम्मा के लंबे लंबे और मम्मा के बहन के भी बाल लंबे लंबे, परंतु सबके दोनों के सूरत में ना दिव्यता की झलक थी, जैसे गोपियां लगती थी। जैसे क्लास से निकलती थी स्कूल से तो हमारी दिल करती थी हम एक बार इन दोनों लड़कियों को देखें। तो हम स्कूल की लड़कियां किसी साइड में खड़े होकर के जब टाइम होता था ये दोनों निकलती थी तो आद से अंत तक हम उसको देखते ही रहते थे। पर ये तो मालूम नहीं था कि ये आज एक कुमारी है और कल यही हमारी माँ बनेंगी और हम इसी के पालना में पलेंगे, ये तो मालूम नहीं था। एक ही जन्म की बात है, क्या से क्या हो गया। तो ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद बाबा का ये नया निराला सत्संग शुरू हुआ और ये आवाज सारे शहर में पहुंचता गया, स्कूलों में पहुंचा। तो मम्मा की जो माँ थी ना, पति ने शरीर छोड़ा तो थोड़ा दुख था, और जो दूसरी बहन थी मम्मा की माँ, मानो मम्मा की मासी, तो उसके पति ने तो बहुत समय पहले शरीर छोड़ा था तो उसको औलाद था नहीं, इसलिए वो भी हमारे ज्ञान में जल्दी आ गई, क्योंकि जो फ्री होता है वो सब सेवा कर सकता है। तो उसका नाम था ध्यानी और वो सरेंडर थी, और हमारा जो पांडव भन है उसी में शरीर छोड़ा है, थोड़ा ही समय हुआ है, समझा, कोई जास्ती समय नहीं हुआ है। डॉक्टर निखिल का भी दवाई में समझती उसने की थी। तो मासी ने अभी शरीर छोड़ा और माँ ने उसके बाद शरीर छोड़ा है या पहले, याद पूरा नहीं आता। तो माँ कैसे आई, तो जसोदा जो बाबा की धर्म पत्नी थी उनके साथ में उनका कुछ थोड़ा दूर का रिश्ता था, कजिन सिस्टर्स थी या कुछ थी। तो जब उसने देखा तो उसके पति ने शरीर छोड़ा है, दूसरी बहन के पति ने शरीर छोड़ा है, तो ये दोनों बहुत दुखी हो रही है। तो कहा आप क्यों ऐसे दुखी हो रहे हो, बाबा अभी इतना गीता का सच्चा ज्ञान देता है, जो आता है उसको मन में शांति आ जाती है, तो आप आओ बाबा के सत्संग में, जसोदा ने कहा उसको। बस बाबा के पास आई और बाबा का मुखरा देखा खिरा हुआ, शिव बाबा की परवेश था, मस्तक चमक रहा था और बाबा ने बड़ा प्यार दिया उनको, और फिर उसने सत्संग सुना। सत्संग सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा, मन में शांति का अनुभव किया। फिर जाके बेटी को कहा, बेटी ये सत्संग तो तेरे लायक है,
बहुत अच्छा गीता का ज्ञान मिलता है, तुम सुनेगी तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो माँ के कहने अनुसार दूसरे दिन आई, तो जब आई उसने बाबा को देखा और फिर बाबा ने उसको देखा। अब दोनों की क्या फीलिंग रही, जब बाबा ने उसको देखा और मम्मा ने बाबा को, तो मम्मा की अंदर की फीलिंग ये थी, मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, बस मिल गया, और सच्चा गीता ज्ञान मिल गया, क्योंकि एक बाबा की वाणी सुनी। और बाबा ने कहा उसको देखते कि ये मेरी वारस बच्ची है जो मेरे स्थूल सूक्ष्म खजाने की मालिक बनेगी। समझा, हमारी जो टीचर्स बहनी है वो ध्यान से सुनेंगी। और जब कभी ऐसे दिन आते ना, तो आप लोगों को अपने क्लास में सुनाना पड़ता है, तो अगर नोट्स देंगे या बुद्धि में रखेंगे तो आप सुना सकेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो फिर जब बड़ा दिन आता है तो आप भोग लगा लेते हो, कुछ सुना नहीं सकते हो, पर माँ की हिस्ट्री तो सुनानी चाहिए ना। तो ऐसे करके वो ज्ञान में चल पड़ी, और जैसे जैसे चलती गई वैसे जैसे लगता था कि मम्मा तो उड़ रही है, मम्मा तो बदल रही है, मम्मा का सारा रूप भी बदलने लगा, ज्ञान में रुचि धारणा सब, जो ड्रेस भी चेंज हो गई, व्हाइट साड़ी में चलना। फिर मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी, किसी में कोई कला होती है ना, वो कला आगे बढ़ाती है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो मम्मा में गीत गाने की बहुत सुंदर कला थी, और बाजे के ऊपर भी और सितारे के ऊपर भी। तो बाबा को भी मालूम था, तो उसने अनुभव का एक गीत बनाया सिंधी में और गाया, इतना अच्छा गाया, इतना सारे आने वाले भाई बहनों को एक नया उमंग उत्साह मिल गया। मम्मा ने अपने अनुभव का गीत सुनाया, मुझे आकर के यहाँ क्या मिला, मैंने आके यहाँ क्या देखा। तो उसके बाद बाबा हर रोज एक गीत के अक्षर निकाल के, फिल्मी गीत होते थे, मंगा करके उनका तर्ज और उसके अक्षर सब बाबा चेंज कर देते थे, वो अक्षर चेंज करके मम्मा को देता था, तो बाबा बनाता था, मम्मा गाती थी, और नित्य नया गीत, नित्य नया मम्मा गीत बाबा की तरफ से मिलता था और मम्मा गाती थी। तो हमारे क्लास में नित्य नया उमंग आ गया, सुनने वाले इधर उधर से समाचार सुनकर के सब लोग असली इस सत्संग में सब आने लगे, और कन्याओं माताओं का इतना बड़ा सत्संग, जल्दी 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 वृद्धि को पाता रहा। तो ये आवाज शहर में पहुंचा, तो एक तो मम्मा की आकर्षण, एक बाबा की खुद की आकर्षण, और दिव्य दृष्टि दाता ने भंडार दिव्य दृष्टि का खोल दिया। ओम की धुनी लगती थी तो कई माताएं कन्याएं ध्यान में चली जाती थी, ट्रांस में चली जाती थी, तो उनमें उनको अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन होते थे, विनाश का साक्षात्कार माताओं को, सतयुग आने वाला वो साक्षात्कार, और सतयुग के कई नजारे देखते थे, आंखें बंद है, मैंने खुद देखा आंखें बंद है पर कृष्ण को देख रही है, और कृष्ण ऐसे जा रहा है तो आंखें बंद है ये उसके पीछे पीछे जा रही है। तो बाबा को मालूम होता था कि इन बच्चों को ऑलमाइटी बाबा साक्षात्कार कराता है तो वो मेरे को नहीं देखते, वो कृष्ण को देखती है, वो कृष्ण के पीछे भागती है। तो बाबा छिपके से, हाँ, उनसे बहनों के बीच से चक्कर निकल करके बाबा अपने ऊपर, बाबा अपने रूम के तरफ चला जाता था, और दरवाजा भी बाबा बंद कर लेता था, क्यों, बाबा को पता है वो मेरे को कृष्ण देख रही है, वो आके पकड़ेंगी, परंतु उनकी आंखें बंद है पर उनको दिव्य दृश्य में दिखाई पड़ रहा है। वो भी एकदम पौड़ियां चढ़ चढ़ करके ऊपर भी पहुंच गई, भाई ये क्या हो रहा है, हमको वंडर लगता था, हम तो देखते रहिए, आंखें बंद से दौड़ रही है और ऊपर जा रही है, इसको ऊपर का कैसे पता लगा, मतलब कई विचित्र बातें थी। तो ये सत्संग बढ़ता गया, और मम्मा की जिम्मेवारी बढ़ गई, और मम्मा मुख्य थी, यानी आने वाली जितनी भी बहनें थी ना, उनमें से मम्मा जैसे अपने गुणों से आगे बढ़ गई। फिर धीरे धीरे करके मम्मा का नाम पहले राधे था, राधे, फिर ज्ञान में चली और ओम की धुनी लगाती थी तो नाम पड़ा ओम राधे। हमारे से पूछते थे तुम कहाँ जाती हो, हमारे पेरेंट्स से, तो हम कहते हम ओम राधे माता के पास जाते हैं, वो क्या सिखाती हैं, तो ओम के अर्थ में टिकना हमको सिखाती है, हम भजन जाके गाते हैं, हम शांति का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, पर कहाँ जाते हैं तो बाबा का नाम नहीं लेते थे, मम्मा के पास आते, ओम राधे माता के पास, क्योंकि जो ओमनली का स्थान था ना वो बाबा का था। अब बाबा क्या करता था, शुरू में ही बाबा कश्मीर में चला गए, थोड़ी स्थापना करके
कन्याओं माताओं के नाम पर अपनी मिल्कियत को स्वा करके और बाबा कश्मीर चला गया। तो बाबा के एब्सेंस में यहाँ सत्संग चालू हो गया और बाबा वहां से पत्र लिख करके भेजता था, मम्मा को लिखता था या दादी कुमार का भी आ गई थी, दादी चंदमणि उनके नाम से पत्र आते थे। बच्चे ये ज्ञान का पत्र है, वाणी है, इनको तुम धारण करके तू सभा में ओरली सुनाओ। तो उन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था, तो पहले तो बुखार हो जाता था कि मैं कैसे सुनाऊंगी, ये कैसे होगा। फिर मम्मा उनमें शक्ति भरती थी, मम्मा कहती जैसे और बातें सुनाते हो ना, कई कई दिनों की पुरानी पुरानी बातें लंबी चौड़ी सुनाते रहते हो। अब ये ज्ञान हमारी जीवन है, ज्ञानी हमारा दिन है, ज्ञानी हमारा रात है, ज्ञानी हमारा परिवार, सब कुछ हमारा ज्ञान है, इसे क्यों नहीं वर्णन कर सकते हो। तो बाबा ने भेजा है तो बाबा भी तो समझता है ना, इसलिए आप सोचो उसने निश्चय किया आप में, तो आप अपने में निश्चय रख करके बोलो। फिर वो बहनों में भी बोलने की ताकत है, हर रोज हर एक के नाम पर, जैसे समझो हमारे पास दीपा है, मंजू है, फरा, एक एक के नाम पर हो और वो आके यहाँ क्लास करें। तो रोज छोटी छोटी बहने और वो आकर के बहुत अच्छा अच्छा क्लास कराती थी। उन दिनों में एज भी सबकी छोटी, 14, 15, 16, 17 बस, 18 वाली तो कोई थी नहीं, या माताएं थी। तो ऐसे सत्संग शुरू हुए तो मम्मा का नाम पड़ गया ओम राधे। और फिर थोड़ा और आगे गए तो मम्मा में इतनी रूहानी शक्ति आ गई जो बाबा के ज्ञान को ना धारण करने से मम्मा उसका स्वरूप बन गई। ऐसा स्वरूप बन गई कि मम्मा जिस किसी को दृष्टि देती है तो जैसे बाबा किसी को दृष्टि देते ना, रूहानी दृष्टि, और शिव बाबा की करंट चालू हुआ ऊपर से, तो बाबा खरे खरे किसी को ऐसे दृष्टि देते ना तो सामने कितने ही भाई बहने ध्यान में चले जाते। अगर कोई ध्यान में नहीं जाती तो फीलिंग आ जाती उनको, इतनी जोर से बाबा से फीलिंग आती थी जैसे कि बाबा का ये स्वरूप है ना, उनको दिखाई नहीं पड़ता है, साकार नहीं देखते है, परंतु बाबा को फिस्ते के रूप में, तो दिल करते हम बाबा को देखते रहे, देखते करे के खरे ही रहेंगे, आखिर बाबा को ही निकलना पड़ता था। ये बच्चे तो दृष्टि पा पा करके वहां खड़े हो गए हैं, तो अभी क्या होगा, वो तो हिलते नहीं है, तो हिलने वाला जो है तो बाबा क्या करता है, चिपके से मुस्कुरा करके ना आलमैटी की लाइट को ठंडा कर देगा, क्योंकि वो आता है तो बहुत कुछ कशिश हो जाती है। तो बाबा ऐसे करके बाबा चला जाता है। तो ऐसे करते करते हमारी स्थापना में मम्मा गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से आगे बढ़ती गई। फिर मम्मा में पालना करने का बहुत अच्छा गुण था, बंदेली माताओं को पतियों की तरफ से बहुत मार मिलती थी, जब उनके जीवन में चेंज आ गई तो वो सब खाने पीने वाले थे और वो आते थे तो देखते थे, तो ये तो मस्ती में बैठी हुई है, ये तो सत्संग कर रही है और इसने सिंपल ड्रेस पहनी हुई है, जेवर भी धीरे धीरे कम कर रही है, फैशन का कुछ भी नहीं, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगा कि ये क्या है, ये कौन सा सत्संग है। और वो विदेश के रहने वाले आते हैं तो विदेश का खींच रहा था उनके बुद्धि में, तो जब उनको मारपीट पड़ती थी ना माताओं को, तो मम्मा ने बहुत अच्छा संभाला, शक्ति भी भरी और उनको संभाला भी और हिम्मत भी दी, तो वो माताएं आगे बढ़ गई। ऐसे करते करते मम्मा का कर्तव्य माँ का चालू हो गया और बाबा ने अपना तन मन धन समर्पण किया, तो उसमें मम्मा का पहला नंबर नाम था। उनके साथ दादी प्रकाशमणि थी, उसके साथ और शक्तियां थी। खैर फिर ये काम चलता गया तो हैदराबाद सिंध में शुरू शुरू में पवित्रता के कारण, नियमों का पालन करने के कारण बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो मम्मा आगे थी और बाबा ने सबको कह दिया जिनको भी इन सत्संगों में आना हो वो मम्मा के नाम पर अपनी चिट्ठी लेकर के आवे, तब वो आ सकते हैं। तो मम्मा के नाम पर चिट्ठी तो आसानी से मिल सकती थी, तो हम अपने पेरेंट्स को कहते थे हमको चिट्ठी दो तब हम सत्संग में जाएंगे। अब ऐसा तो कोई सत्संग होता नहीं है जिसमें चिट्ठी लेके जावे, पर ये एक ऐसा विचित्र सत्संग जो शिव बाबा ही जानता है कि जब बच्चे चलेंगे तो उनके सामने क्या क्या परीक्षाएं आएंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ होता है, समझो मेरी माँ ने मेरे लिए चिट्ठी लिख करके दी कि मैं अपनी बच्ची फलानी को ओम मंडली माता के पास, माना मम्मा के पास, उसका नाम रखा ओम मंडली माता या ओम राधे माता के पास, ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देती हूँ। समझ में आया?
आया समझ में? हाँ या नहीं? क्या समझ में आया? रिपीट करो। मैं अपने बेटी को ओमरादे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की सेवा के लिए खुशी से छुट्टी देती हूँ। तो चिट्ठी लेकर के आते थे तो उसके बाद थोड़े समय के बाद सबकी चिट्ठियां पहुंच गई और कन्याएं माताएं अपने पतियों से छुट्टी लेके आई। किसी का पति विदेश में है तो उसके माता पिताइयां हैं, उनसे चिट्ठी लेकर के आई। अब उनके पति हंगामा करें तो वो दिखा सकती है, कलेक्टर आया, कोई बड़ा आया, तो भाई हम तो अपने पेरेंट्स से चिट्ठी लेकर के आए हैं और देखो इसमें दादा का नाम भी नहीं है। हम तो ओमरादे माता के पास आए पढ़ने पढ़ाने के लिए, अमृत पीने के लिए। ये तो माताओं कन्याओं का सत्संग है, तो हमारे को क्यों रोका जाता है, क्यों बंधन डालते हैं? हाँ, खुद धारणा में नहीं चल सकता भले न चले, पर मैं चलना चाहती हूँ तो मेरे को क्यों रोक पड़ती है? ऐसे करते करते मम्मा हमारी हिम्मत और उल्लास बढ़ाने वाली थी और जैसे शक्ति सेना की सेनानी एकदम आगे। तो कोई भी बड़ा आदमी आता है, बातचीत करता है, तो मम्मा समझो सारी संस्था की तरफ से जवाब देती, क्यों कलेक्टर आएगा, भाई ये क्या बात है, ये शहर में क्यों हंगामा हो रहा है, आपका ज्ञान क्या कहता है? तो मम्मा उनका जवाब देती थी, दादी प्रकाश मणि जवाब, ऐसे ऐसे सब आते थे। खैर ऐसे करते जब थोड़ा हंगामा बढ़ा, इनसे पहले दो स्थान थे बाबा के, एक का नाम था ओम मंडली, जो बाबा का होम था जिसमें बाबा खुद रहते थे, यानी आंखों से देखा त्याग कैसा होता है, वंडरफुल। जिस महल के अंदर रहना खाना और क्या कपड़ा क्या बर्तन है, क्या ये अस चांदी के बर्तनों से तो अलमारियां सजी सजाई थी, बिस्तरे तो बिस्तरे, नया मकान सुंदर, और वो छोड़ छाड़ करके बाबा तो चला गया कश्मीर में, और वो सत्संग का स्थान हम माता उन कन्याओं ने यूज किया। कहा हम जसोदा मैया के पास आते थे और कहा वो जसोदा मैया ही घर छोड़ के चली गई और सारा घर हम बच्चों को देखेंगे। और ये जो ध्यानी थी ना, जो मैंने कहा यहाँ सरेंडर हुई, तो ध्यानी मम्मा की माँ से लगती थी। बाबा ने देखा ये फ्री है, इसको आगे पीछे का कोई नहीं है, ये रह सकती है, तो बाबा ने उसको मुकरर किया, बच्ची अब ये जसोदा निवास तुम बच्चों को शक्तियों के लिए संभालना। और जब वो आती है तो बाबा के घर से रोज एक प्रसादी बनाती थी टोली, वो टोली उन सब के मुख में पड़ती थी। कभी कभी कोई भोग भी बनाती थी तो सबको खिलाती थी, भोग लगाते नहीं थे, पर ऐसे जैसे ना आती है सत्संग में तो कुछ बना करके खिलाया जाता, तो ध्यानी माता ने ये सेवा चालू कर दी। तो अब जब मम्मा आई तो मम्मा की भी धारणा बढ़ती गई। तो मम्मा की शुरू शुरू में ये धारणा रहती थी कि और जो बहनें आती थी ना, वो सत्संग का ध्यानी बहन जो टोली बनाती थी प्रसाद, वो सब खाते थे प्रेम से, दिल से खाते थे। मम्मा बिल्कुल एक पानी का ढुक भी नहीं पीना चाहती थी, टोली का एक कतरा भी नहीं खाना चाहती थी। क्यों? मम्मा की एक धारणा थी कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, हम इतनी सेवा नहीं करते हैं तो इतना बोझ अपने ऊपर क्यों चढ़ाएं? हमारा काम है सेवा करना, न कि इस स्थान पर आकर के ऐसे फ्री माल है बैठ के खाओ पियो। मम्मा नहीं खाती थी, पर मम्मा मुझसे बोलती भी नहीं थी क्योंकि और सब प्यार से खाते थे, तो मम्मा कैसे उनको मना कर, भाई तुम लोगों को नहीं। और बाबा ने तो एकदम छोड़ रखा था कि नहीं ये सब कुछ बच्चों का है, बाबा एकदम हल्का कि ये सब कुछ बच्चों, बाबा जैसे निर्संकल्प हो गए, सब त्याग करके बाबा चला गया। फिर मम्मा से बाबा ने बात की, कहा बच्ची तुम्हारा रहना ही बहुत बड़ी सेवा है, जब रहेंगी तो अनेक आत्मा आते रहेंगे, उन सब की तुम्हारे द्वारा सेवा होती रहेंगी, इससे तुमको अधिकार है बाबा के घर में खाने का, बैठने का और सारे कारोबार को संभालने का। तब से बाबा के आज्ञा अनुसार मम्मा ने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, नहीं तो सारा सत्संग वगैरह करके फिर दिन में घर में चली जाती थी, फिर शाम को आती थी, फिर रात्रि को घर में चली जाती थी। अब मम्मा में चेंज आ गए। अब जैसे मम्मा यज्ञ में बढ़ती गई, फिर मम्मा जब खड़ी हो जाती थी, किसी को दृष्टि देती थी सत्संग में, तो बहुतों को मम्मा के द्वारा श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। श्री राधे या कृष्ण के साथ खड़ी है तो कभी मम्मा बाबा दोनों खड़े हैं, कभी वो दो रूप गुम हो जाते, तो
राधे कृष्ण खड़े हैं, कभी वो दो रूप गुम हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण खड़े। तो बाबा ने भी मम्मा का भविष्य स्पष्ट किया, आलमैटी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा द्वारा। जैसे बाबा को बाबा के कई जन्मों का साक्षात्कार आलमैटी बाबा ने कराया कि तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारी आत्मा सतयुग के आदमी देव पद पर थी, तुम श्री नारायण पद पर थे, परंतु सृष्टि चक्र के अनुसार धीरे धीरे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर कलयुग, अभी तुम संगम पर पहुंच गए हो। अब फिर से तुमको नरसे नारायण बनना है। और मम्मा के लिए आलमैटी बाबा ने स्पष्ट किया कि ये ब्रह्मा की बेटी सरस्वती और ये ज्ञान की वीणा बजाने में नंबर वन है, और इस बच्ची का भविष्य भी श्री लक्ष्मी है। इस जन्म में ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, जगत अम्बा, और समझो कि ये इनका जो भविष्य है वो पहले राधे कृष्ण के साथ और बड़ेपन का नाम श्री लक्ष्मी है। तो जैसे कि हमने देखा कि आलमैटी बाबा ने डिक्लेयर किया बाबा के द्वारा, और मम्मा की चाल डाल, उठना बैठना बड़ी रॉयल्टी, धीरे जैसे चलना, धीरे से बैठना, धीरे जैसे देखना, किसी की कोई बात सुनेंगी बड़ी धीरज से सुनेंगी, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी में हमने मम्मा को जल्दी जल्दी में चलता हुआ देखा ही नहीं, जैसे तुमको काम पड़ेगा फटफट फटफट जाएंगी। मम्मा को कभी भी हमने ऐसे ऐसे करके जाता हुआ नहीं देखा, हमेशा शांति से, ऐसा लगता था जैसे विश्व महारानी आ रही है। रॉयल्टी के संस्कार इमर्ज हो गए बाबा की, तो रॉयल्टी के संस्कार शुरू से हमने देखा। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा का रथ भले साकार में साधारण साड़ी और धोती और कमीज पहनते थे, पहले भी और पीछे भी ड्रेस वही बाबा की रही, पर बाबा का भी चलना, बाबा की दृष्टि, तो बाबा को ऐसा लगता जैसे मुकुट नहीं पड़ा पर ये मस्तक जो चमकता था ना वही बड़ा भारी मुकुट हो गया, मस्तक चमक रहा जैसे कोई हीरा चमक रहा है। तो दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी थी जो साक्षात्कार लोगों को होता था, दोनों फरिश्ते के रूप में खड़ी है। और जब भी बाबा मामा चले जाए, कईयों को घर बैठे मामा और बाबा के दिव्य साक्षात्कार होने लगे। फिर उनके साथ कृष्ण को देखते थे, उनके साथ वैकुंठ को देखते थे, तो ये बात सारे शहर में फैलती गई। फिर शहर में एक तरफ से ये स्थापना का काम जोर पकड़ रहा था, सत्संग इतना फुल हो गया जो बात मत पूछो, इतना बड़ा हाल फुल हो जाता था। तो लोगों को यह भी पता लगा इनका दिनों दिन काम बढ़ता जाता है, फलानी भी गई, शहर के अच्छे अच्छे लोग आ गए। फिर सभी लोगों ने मिलकर के हंगामा चालू कर दिया, क्योंकि उनकी धारणा बड़ी स्ट्रांग थी, ऐसा अशुद्ध खाना नहीं है, ऐसी अशुद्ध बातें देखनी नहीं है, ऐसे अशुद्ध संग में जाना नहीं। तो क्या हुआ कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो थोड़े थोड़े नाराज होने लगे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे ये होता है ना, लड़के लड़के थोड़ी छे साल करते हैं, अखबार में डालते हैं, ये करते हैं, चालू हुआ। फिर इसी बीच में एक तरफ ओम नवास खुला, बाबा का ये स्थान था जिसमें मम्मा ही आके सेवा संभालती थी, माताएं कन्याओं का आना सत्संग, उसका नाम ओम मंडली। और दूसरा एक स्थान था उसका नाम था ओम निवास, जो हमारी प्रकाश बनी दादी, उनके साथ चार साथी और थे, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, उनके साथ दो बहने और थी, उन्होंने सारा उनको संभाला। तो दादी ने संभाला ओम नवास और मम्मा ने संभाला ओम मंडली। जैसे अभी देख रहे हैं ना, दादी वहां है तो मैं यहाँ हूं, तो शांता में नीचे, शांता में ऊपर, तो हम नीचे, ऐसे वो इस समय भी ऐसा ही था। फिर ऐसे करते करते हमारा उस तरफ का काम बच्चों का बहुत जोर पकड़ने लगा। ओम नवास में कई छोटे छोटे बच्चे आने लगे, बहुत अच्छे अच्छे, उनको पाठ बाबा लिख करके देता था, बच्चे पक्के करते थे, और बड़े बड़े लोग आकर के वो बच्चों के मुख से ज्ञान सुनते थे। बच्चों के मुख से ज्ञान तो सबको अच्छा लगे, सबका, ये तो राज ऋषि कुमारों का राज ऋषि भवन बना है और उसमें कुमार कुमारियों को ऐसी सुंदर ट्रेनिंग मिलती है, तो लोग बहुत खुश होने लगे। खैर एक साल के करीब 1936 में स्थापना हुई है, 1937 में सारा साल हम हैदराबाद में इस स्थापना के काम में लगे हुए थे। फिर 38 में बाबा को कराची के ही कुछ बच्चों ने निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण पर बाबा हम सब बच्चों को वहां कराची में लेके गए। तो कराची में दो चार बड़े बड़े भवन लिए, बड़े बड़े बंगले,
जिसमें बाग बगीचा मकान भी अच्छा, आपको स्लाइड्स भी दिखाएंगे। तो रमेश ने कहा मैं आज नहीं दिखा सकता हूँ, कल परसों दिखाऊंगा, तो मैं आप लोगों को पहले इतला दूंगा। कल वहां दिखलाई थी, आप में से हो सकता है किसने स्लाइड्स देखी हो, बड़े बड़े बंगले थे, क्या बाग क्या बगीचे, रॉयल बंगले। फिर उसमें हम लोग कराची में रहे ना, तो हम सबको अच्छा लगा। हैदराबाद में शहर के बीच में मकान थे, मकान अपने आप में अच्छे थे, परंतु शहर के बीच में एकदम बीच में छोटी छोटी गलियों में ना, तो लोग हंगामा बहुत जल्दी कर लेते थे। और कराची में किसी की ताकत नहीं कि बंगलों के अंदर कोई घुस सके, तो बंगलों में सेफ्टी भी होती है, पैरे पर भी हमारी बहनें होती थी जो कोई भी अंदर घुस न सके। तो ऐसे करके फिर हम कराची में रहे ना, तो कराची में मामा का पार्ट यज्ञ माता का बन गया। यज्ञ में भोजन पकता है, सरेंडर होकर के आगे ना 350-400 के लगभग हम उस भवनों में रहने लगे। कहाँ कन्याएं माताएं, कहाँ कन्याएं कहाँ माताएं, कहाँ कुमार कहाँ सब, और कुछ बाबा का भवन अलग था समझो, मतलब चार भवनों में अलग अलग हम होकर के रहने लगे। तो मम्मा उनके साथ रहती थी जो हमारे जैसी कुमारियां थी, 100 के करीब होंगी कुमारियां। उस सारे बड़े भवन के अंदर हम मम्मा के साथ में रहती थी, बाबा का बंगला अलग था। तो सारी दिनचर्या हमारी मम्मा के हाथ में थी, अमृत वेले से लेके रात तक सारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में। तो मम्मा की क्या विशेषता देखिए, वो बड़ी एक्यूरेट, जैसे घड़ी पर चल रही है, घड़ी चल रही है, मम्मा उसके साथ साथ चल रही है। क्लास में आना टाइम पर, और क्लास पूरा करना टाइम पर, भोजन 12 बजे 12:30 बजे खाना, 12:30 बजे पूरे मम्मा भंडारे में आएंगी। बेल क्यों नहीं बजा, अगर बेल बजने में 5 मिनट लेट है तो मम्मा को पहले बताना होता है कि सब्जियां देरी से आई इसलिए थोड़ा लेट से बेल बज रहा है, नहीं तो सब पूरे 12:30 बजे या 12 बजे मुझे याद नहीं आता उसमें बेल बजता था। और मम्मा सबसे पहले नंबर भोजन शुरू होगा, सब बच्चे भोजन पर बैठे न बैठे मम्मा ऐसे चक्कर लगाती रहेंगी, सब्जियां काटनी है तो सबसे पहले मम्मा आके बैठेंगी। तो मम्मा ने अपने कर्म से सिखाया, आवाज से नहीं, मुख से नहीं, ऐसे बुलाना नहीं कि आओ 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 सब्जी काटनी है जल्दी आओ, ऐसा ये चीज मनुष्यों का आवास लगता है। तो मम्मा खुद आकर के सैर करके, मम्मा के साथ हम लोग सैर पर जाते थे, सैर करके फिर आके बैठ गए, मम्मा चौकी पर बैठ गए, हम बैठ गए और सब्जी मम्मा को देख करके हम सब ने काटी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा मम्मा ने वचन से काम कम लिया, पर खुद करके दिखाया, खुद कर करके सिखाया। यज्ञ के भोजन के लिए रिगार्ड ये मम्मा ने सिखाया, बाबा से कैसे बातचीत करनी है, बाबा कौन है, पूरा परिचय मम्मा ने बाबा के बारे में हम बच्चों को दिया होगा कि बाबा कोई साधारण हस्ती नहीं है, बाबा की आज्ञा माना ईश्वर की आज्ञा, बाबा ने कहा और वो काम करना ही है, कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता क्यों और क्या, क्वेश्चन नहीं, बाबा ने कहा ना, बेहद के बाप ने कहा है ये काम ऐसा करना है तो ऐसा करना ही है। इसमें मम्मा बहुत दृढ़ थी, मम्मा को कभी भी बाबा के बारे में संशय नहीं आया। सारी लाइफ में हमने देखा चाहे कुछ भी बाबा ने कहा, मम्मा ने सब कुछ करके दिखाया, जिसको हम कहते हैं कदम कदम श्रीमत पर चलना। मम्मा के सब कदम श्रीमत पर थे, चाहे मम्मा की तबीयत खराब है, डॉक्टरों को दिखाया गया कोई फूरा था मम्मा को थोड़ा सा, तो डॉक्टर ने कहा तो इसका तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मम्मा को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, आश्रम के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता, समझो कुछ। और बाबा को नहीं अच्छा लगता है जगदम्बा उसका ऑपरेशन और वो हॉस्पिटल में जाए, नहीं हो सकता, बाबा को अंदरों ने प्रेरणा नहीं आती है। तो मम्मा तक वो बात पहुंचती है, बाबा को प्रेरणा नहीं है कि मम्मा ये ऑपरेशन करा, घर के इलाज से ठीक हो सकती है, तो बाबा बता देता था ये इलाज घर में चालू कर दो, और सब का बाबा को प्रेरणा नहीं आती। तो मम्मा ने देखा बाबा को प्रेरणा नहीं, तो मम्मा खुद के लिए कहे कि नहीं कल को फिर मेरा और कुछ बढ़ जाए या क्या हो जाए, इससे मैं समझती हूँ ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा है। सरेंडर बुद्धि, जो तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का, सब कुछ बाबा का, अब बाबा जैसे इसको चलावे, ये मम्मा के शब्द थे, हुक्मे हुक्म चलाए रा, अपने हुक्म से जैसे वो चलावे वैसे हम बच्चों को चलना ही।
तो इसमें मामा का निश्चय माना जाता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए मामा के जीवन में सफलता ही सफलता। जो तकलीफ होती थी ना, वो जैसे बाबा ने कहा और हल्का सा इलाज किया, उससे ठीक हो गए। और डॉक्टरों को दिखा, वो तो चीरे फाड़े के से काम नहीं करेंगे। हाँ, नाई की दुकान पर जाएंगे, नाई क्या करेगा, वो थोड़ी और कोई राय देगा, वो तो कहेगा आओ कट कट करके पूरा कर देंगे। सर्जन सर्जन के पास जाओ तो उसके पास और तो कोई नॉलेज है नहीं। होम्योपैथिक दवाई वाले तो छोटी छोटी गोलियां दे करके भी ठीक कर देते हैं, फर्क है ना हर एक का। तो मम्मा की ऑपरेशन में चेंज आ गई और उसके बाद बिल्कुल मम्मा ठीक हुई। तो मम्मा का निश्चय तो हम लोगों ने माप लिया ना, कि मम्मा में कितना बड़ा मम्मा को बाबा में निश्चय है। अब बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार कर दिया। इस तरह से कई बातें दिन भर में आती थी। तो बाबा कहते हैं पहले मम्मा से पूछो, समझो कोई यज्ञ का काम करना है, कुछ बनाना है या कुछ करना है, कुछ भी नया काम, तो बाबा के पास आते थे। तो बाबा क्या करना है, बाबा कहते पहले तो मम्मा के पास गई, मम्मा की प्रेरणा क्या है, पहले मम्मा की प्रेरणा लेके फिर बाबा के पास आ। यज्ञ माता मम्मा है, बाबा ने यज्ञ के लिए मम्मा को निमित्त बनाया, मम्मा की अपनी प्रेरणा इसमें जरूर होनी चाहिए। फिर हम मम्मा के पास जाते थे और मम्मा मुस्कुरा करके कहती थी तो हम बाबा से पूछो, बाबा जैसे कहे वैसे करो। हम कहते मम्मा बाबा ने भेजे ना, तो आप अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये प्रेरणा है। तो मम्मा समझती बाबा तो बाबा है, मैं क्या अपनी प्रेरणा दूं। मम्मा ऐसे से टालने की कोशिश करती थी, लेकिन जब मम्मा को पता है बाबा ने भेजा है, तो फिर मम्मा कहती मैं समझती हूँ ऐसा हो तो अच्छा है, दो अक्षर बोल देंगे। फिर हम बाबा को आके बताते, बाबा कहते अच्छा अच्छा जो मम्मा ने कहा ना वो करो। तो ऐसे करके करके मम्मा की स्थिति बढ़ती गई और यज्ञ माता का पूरा पाठ ले किया। जैसे माँ होती है ना, माँ वाले संस्कार मम्मा में इमर्ज हो गए। कोई बीमार पड़ा उसके पास जाना, उसकी सेवा में क्या उसको चाहिए क्या नहीं है, उनकी मनसा सुनना। कोई चलते चलते थोड़े से तंग हो जाते या नहीं चल सकते हैं या कर्म इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो मम्मा रूहानी पालना करती थी। बुला बुला करके बिठाना, प्यार देना, दृष्टि देना, उसकी दिल लेना, सबसे बड़ी बात है दिल लेना। तो जैसे जैसे मम्मा ने दिल ले ली, वैसे वैसे सब बच्चों के दिल को मम्मा ने खींच लिया। मम्मा की वाणी सरल लगती थी, थोड़ा एक ही पॉइंट के अंदर वाणी होती थी, तो हम छोटे छोटे बच्चे हमारी बुद्धि में वाणी फिट बैठ जाती थी, तो हम बड़ी मम्मा की महिमा करते थे। मम्मा आपकी वाणी बहुत सरल है, मम्मा आपकी एक ही पॉइंट पर सारा, आपने एक घंटा बोला एक ही पॉइंट के अंदर, तो हमको सीखने का अच्छा मौका मिलता था। पर मम्मा हमको कहती थी कि ये मुरली किसने सिखाई उसको मत भूलो, ये ज्ञान कहां से मिला, बाप से मिला। तो मेरी बड़ी माँ वो है, मात पिता है, जिसने ये ज्ञान दिया, जिसको हम आप बच्चों के आगे थोड़ा आपको सिखाने के लिए सरल ढंग से बताते। पर मुरली किसकी है, मुरली तो प्यारे मुरलीधर की है ना, शिव बाबा की है ना। तो मम्मा हमारा ध्यान कदम 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 पर बाबा की तरफ खिंचवाती। बाबा माना बेहद का बाप, बाप की आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे बोझ चढ़ जाएगा, और बोझ चढ़ेगा तो वो बच्चा उन्नति को नहीं पा सकेगा। इस तरह से मम्मा रूहानी पालना करती थी। जैसे माँ स्थूल में भोजन पका के बच्चों को खिलाती है, खाया ना खाया बीमारी में ध्यान रखना, नींद फिटा करके ध्यान रखना, कभी बच्चों की दिल लेके घुमाना फिराना, ये सब काम मम्मा का हो गया, घुमाने का फिराने का खिलाने का पिलाने का। जैसे दादी वहां बैठे सब बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे समझो कि मम्मा की प्रैक्टिकल धारणा में जो आज दादी पालना दे रही है वो सब मम्मा करती थी। इसलिए यज्ञ माता हो गई। तो मम्मा का नाम जगदम्बा श्री सरस्वती परा, क्योंकि आलमैटी बाबा ने मम्मा का भविष्य बताया और मम्मा का पाठ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था सबको। तो कहते ना प्रैक्टिकल के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कोई मांग नहीं सकता, प्रैक्टिकल देख रहे ना मम्मा, मम्मा का पार्ट प्ले करिए बाबा, ये तो दादी में परिवर्तन आया बाबा के जाने के बाद। नहीं तो वो भी स्टूडेंट थी, मुंबई में सेवा करती थी, जैसे कोई दिल्ली में करता है तो कोई मुंबई में करता है, ऐसे दादी भी एक स्टूडेंट।
जिस दिन बाबा व्यक्त हुआ उसी दिन दादी को हाथ में हाथ और दृष्टि देके अपना सब कुछ बाबा सौंप गया। तो हमें वंडर लगता है कि सचमुच दादी ने संभाल लिया सारी कारोबार। इस सारी कारोबार संभालने का इसमें साइज कैसे हुआ? पहले तो कभी काम किया नहीं थी, मुंबई में रहती थी, लिटरेचर छपाना, ये करना, वो काम कराती थी, 50-25-60 स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन इतने बड़े यज्ञ के कारोबार को उसने संभाल लिया। और बाबा अव्यक्त हुआ तो हजारों को बुलाना, फिर हजारों ने मिलकर के बाबा का अव्यक्त लास्ट में दर्शन किया, फिर सारे यज्ञ को चलाने के लिए ऐसा लगा जैसे ऑलमाइटी बाबा ने इसको निमित्त बना के ये सब शक्तियां मिली थी सर। क्योंकि हमने देखा कि मम्मा की एक बात तो इतनी अच्छी थी कि बाबा जो कुछ कहता था मम्मा सदा ऐसे मीठा मुस्कुराती और बाबा को कहती जी बाबा, हाँ बाबा और जी बाबा, कभी मम्मा ने दूसरा कुछ बोला ही नहीं। जब बाबा पूछेंगे मम्मा, तो मम्मा भी कहता था, बच्ची भी कहता था, मम्मा बच्ची अब क्या करना है, ऐसे करेंगे ना आज बच्चों के लिए, मम्मा कहेंगी जी बाबा। एक हाँ बाबा बड़ा मीठा बोलती थी, एक जी बाबा बोलती थी। और बाबा एक तरफ बैठता था, ये दो संधियां है ना, ये उस समय का रस्म, एक तरफ बाबा बैठता है तो एक तरफ मम्मा बैठती है, ये समझो संधनी बाबा की है और ये संधनी मम्मा की है। तो मम्मा को बाबा हमेशा कहते हैं पहले 15 मिनट पहले तुम क्लास में जाओ। ला है कि जगत अम्बा सरस्वती माँ सबसे पहले उनकी सितारा बजनी चाहिए, बंसरी बजनी चाहिए, उसके बाद बाबा आएगा। तो मम्मा पूरे 15 मिनट जैसे ऐसे मापा तोला हुआ हो, तो जैसे बाबा के आने का टाइम होगा मम्मा ओम शांति करके पूरा कर देंगे, फिर बाबा आके बैठेंगे। कभी कभी कहेंगा मम्मा मैं तो तुम्हारी वाणी सुनता नहीं हूँ, मम्मा आज बाबा बैठा है तुम माँ पे जैसे बोल रहे थे ना वैसे बोलते रहो। पढ़ाई से प्यार, मुरली को दिन में 3-3 बार पढ़ती थी तो हमें समझ में नहीं आता है, तो मुरली बाबा की एक बार पढ़ने से सब बुद्धि में आ जाता है, मम्मा 3-3 बार क्या पढ़ती है और क्यों मम्मा पढ़ती है, तो मम्मा को क्या अंदर से मिलता है। तो जब मम्मा से हम प्रश्न पूछते थे तो मम्मा कहती है जितना बार हम पढ़ते हैं उतने बार हमको नई नई शक्तियां मिलती है और बिल्कुल आत्मा मगन हो जाती है। तो हम कहते थे हमारे को शायद वो निकालने नहीं आता है, तो मम्मा मुरली सुनकर के ना उसको मनन चिंतन मिल जाती थी अंदर, एक एक शब्द के ऊपर मम्मा का मनन चिंतन चलता था, मनन चिंतन से मक्खन मिलता था मम्मा को, और हमको मनन चिंतन करने आता नहीं था, सुन लिया वो ऊपर ऊपर से बुद्धि में आई और फिर भूल गए। मम्मा प्रैक्टिकल स्वरूप इन्हीं बातों से बनी, मनन चिंतन से। और दूसरी बात कि जो भी मम्मा काम करती थी ना तो कर्म में उस मुरली का सार बुद्धि में रख करके कर्म नाम में भी चलते फिरते मम्मा जैसे उसका स्वरूप बन के चलती थी, तो मुरली का सारा सार मम्मा के जीवन में उतरता गया, हर रोज की मुरली सुनना और उसको लाइफ में उतारना, उस प्रकार से व्यवहार करना। तो मम्मा की पहली धारणा थी अंतर्मुखता, एकांत में बैठती थी, हम देखते थे 2 बजे उठ करके भी हम देखते थे, एक खिड़की थी वहां से हम देख सकते थे मम्मा ऐसे आराम कुर्सी पर 2 बजे उठ करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई है, वाइब्रेशन आता था, कशश करेंट होती थी, क्योंकि मम्मा उस समय अल्मेटी बाबा से बातें करती हैं, मनन चिंतन में भी रहती हैं। तो एक तो मम्मा में अंतर्मुखता का गुण था, एकांत में उगाना, मनन चिंतन करना, उसका ज्ञान का स्वरूप बनना, और दूसरा मम्मा में गंभीरता बहुत थी, इतनी गंभीरता कोई बात मम्मा ने सुनी ना उसमें समा गई, वो कभी भी हल्के रूप से उसको वर्णन नहीं करेंगे। मम्मा अकेली थी, अपने आप में अकेली थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपने आप में अकेली दिखाई पड़ती थी, उनकी सखियां भी उसे जैसी थी लेकिन मम्मा उनके साथ उतनी हल्की नहीं थी, जैसे हल्कापन होते ना हंसना बैलना इधर की बात उधर की बात सुनना सुनाना, नहीं मम्मा से कोई भी हल्की सर की बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मम्मा खुद ज्ञान युक्त थी। और हमारी और दादियां तो आपस में हंसती थी बैलती थी, बाबा के पास जाती थी, बाबा की मीठी मीठी बातों का वर्णन करना चिंतन करना करते रहे, पर मम्मा के आगे जाएंगे ना तो कोई सार वाली बात होंगी तो पूछेंगे, या कोई सार वाली बात बाबा की होंगी उनके बुद्धि में तो मम्मा को सुनाएंगे।
बाकी मम्मा को फॉलो करती थी सब, मम्मा क्या क्या करती हैं। तो गंभीरता का गुण, सहनशीलता का गुण, नंबर वन सहनशीलता का गुण। बुखार होगा, बीमारी है कोई, मम्मा की स्वरूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। जो नर्स थी, जो मम्मा की सेवा करती थी, उनसे कभी कभी पता लग जाता था, पर फिर हम मम्मा से प्यार से पूछते थे, मम्मा हमको मालूम पर आपको थोड़ा सा बुखार है। मम्मा कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं, बस बात को हल्का कर देती थी। इन्हों का ध्यान मेरे में क्यों जावे? घड़ी घड़ी पूछेंगे, मम्मा आप ठीक हो मम्मा? तो मम्मा पहले ऐसा उत्तर देंगे, हाँ मैं ठीक हूँ, और अपने रूप से कभी भी बीमारी का रूप दिखाया नहीं। तीसरा, मम्मा सहनशीलता और मधुरता, नेचुरल मधुरता, ऐसा कुछ अंदर मनन चिंतन करती थी जिसे मम्मा सदा हर्षित रहती थी। मम्मा का मुखरा सदा मधुर होता था और निर्भयता की भी शक्ति थी। कहती है खुद ईश्वर के बन गए, ऑलमाइटी बाबा के बन गए, तो जिसका डर रखना चाहिए वही हमारा हो गया, उनका डर नहीं तो बंदे का क्यों डर? डर होता है मनुष्य को अपने पाप कर्म का, तो न पाप कर्म करते हैं न हम डरते हैं। खुदा भी हमारा हो गया, हम खुदा के हो गए, तो हमारे को डर किस बात का? बहुत मामा इसमें शक्तिशाली थी, इसलिए जैसे मामा शक्ति स्वरूप हो गई, ज्ञान के हिसाब से भी और अंदर गुणों के हिसाब से भी, गुणों की धारणा होने के हिसाब से शक्ति स्वरूप भी मामा बहुत अच्छी तरह से इन सब बातों में आ गया है। तो मधुरता, निर्भयता, सहनशीलता, अंतर्मुखता और दृढ़ता, जो काम बाबा ने कहा उसमें मम्मा दृढ़ हो जाती है, मुझे ये काम करके ही दिखाना है, बाबा ने कहा है मेरे को करना है या कराना है शक्ति सेना से। तो हम कभी कभी मम्मा को कहते हैं, मम्मा आपको बाबा ने कहा 15 दिन में ये काम कराना। तो हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा का प्यार था हम सभी बच्चों से, तो हम मम्मा के ऊपर आग्रह करते, मम्मा बाबा से 2-4 दिन और ले लो ना, सारी सारी रात हम जा करके ये काम करते, उसमें नींद भी आ जाती है, कभी कभी हमारे को हाथ में सुई भी लग जाती है, मम्मा 2-4 दिन और बाबा से ले लो ना, तो हम ये काम आपको पूरा करके दे देंगे। मम्मा कहती थी, आपको पता लगता है किसका डायरेक्शन है, किसने डायरेक्शन दिया? ये साधारण बात नहीं है, बाबा को साधारण समझ करके इसका उत्तर नहीं निकालो कि नहीं, अलबेले बन करके नहीं ये काम अभी नहीं करेंगे फिर नहीं, बाबा ने कहा है करना ही है, ये काम समझो तुम्हारे से हुआ ही पड़ा। फिर मम्मा शक्ति भरती थी, फिर हम काम कर लेते थे। काम तो मम्मा को जरूर शक्तियों से ही कराना है, सेना मम्मा की शक्तियों की। तो इस तरह से मम्मा अपने काम कराने में, अब बाबा की आज्ञा है उसका रिगार्ड, रुहाब मम्मा को, वो मम्मा ने हमको सिखाया, हम तो बच्चे थे, अलबेले 12 साल के आए, 13 साल के आए, चलो 14, 15, 16, अब 16 साल की एज कोई ऐसी तो नहीं होती है, 18 में मनुष्य बालक होता है, इतनी ज्ञान की गहरी समझ तो नहीं थी ना, बाबा से प्यार था, बाबा ने हमारी अलौकिक पालना की तो प्यार था, और मम्मा हमको रिगार्ड बिठाती थी कि कोई भी बात बाबा की है उसको स्वीकार करो, अंदर हमको ये करनी है, अंदर टाल मटाल का ख्याल ना है कि नहीं ऐसे नहीं, कल करेंगे परसों, कल और परसों बाबा के आगे नहीं चल सकते। ऐसी मम्मा की बहुत अच्छी मीठी धारणा थी, पालना करने का संस्कार अच्छा था, अनासक्त थी, कैसा भी भोजन मिले यज्ञ में टाइम पर भोजन पान करना, और जो बाबा खिलावे जैसा खिलावे वैसा ही खाना, कभी मम्मा ने यज्ञ के भोजन की मुख से गिलानी नहीं की होंगी। तो मम्मा कहती ये पाप है, शिव बाबा के रचे हुए यज्ञ का भोजन वो प्रेम से खाना चाहिए। अच्छा तुम लोगों ने कभी नहीं खाया, पर अभी तो भगवान की हो गए ना, तो अभी तो तुमको भगवान के यज्ञ का भोजन मिलता है ना, प्रेम से स्वीकार करो और उसी खाने पर अपनी हैबिट डालो। तो मम्मा ने ये सब हमारी आदतें मिटा दी। हमेशा हम कहते हैं हमको कद्दू नहीं चाहिए, मम्मा रोज रोज कद्दू बनता है, हंस हंस करके मम्मा को कद्दू काटना पड़ता था ना, जब देखते थे कद्दू आ गया है, जब देखते थे ये पेठा आ गया है, पेठा इतना बड़ा बड़ा, जब देखते थे वो दूसरी कोई ऐसी सब्जी, भाई हर रोज यही रोज हर रोज, तो शिकर देख कद्दू आ गया, तो हम बच्चे तो ऐसे बोल देते थे। फिर कभी मम्मा आके बैठेंगे ना तो मम्मा को मम्मा रोज कद्दू आता है। मम्मा हंस करके कहती देखो शिव बाबा के भंडारे में
शिव बाबा जो खिलावे वो हो गया प्रसाद, तुम तो पहले ही तुम लोग करेक्शन कर देते हो। नहीं, बाबा के यज्ञ में जो चीज आ गई वही प्रसाद है, वो बनेगी उसको प्रसाद करके स्वीकार करना है। तो मम्मा पहले नंबर में, इसलिए सबसे पहले मम्मा की एक्यूरेट दिनचर्या में मम्मा पहले पूजन में आके बैठ जाते, तो जो मम्मा ने खाया वो तो हम जरूर खाएंगे। तो हमारे में फिर सवाल चेंज हो गए, खाते 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 अभी तो हम कभी नहीं बोलेंगे ये क्या बना है वो क्या बना, ऐसा ना करना माना माँ बाप करते है ना कुमार भी। मैंने कहा ना कद्दू आ गया तो हंसा सभी ने, तो जरूर आप लोगों को आता होगा ये कद्दू आ गया, ये पेठा आ गया, ये पलक आ गई, फलानी पर, तो आप लोगों को जो इच्छा पर यह था पहले घर में जाएंगे ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए वो चीजें, तो बस आज इतने साल हुए हैं यज्ञ में जो चीज बनती है हम लोगों को पता ही नहीं लगता है क्या बनता है, जब टेबल पर जाते तब भोजन आता है तब हम देखते हैं खाते हैं। तो मम्मा कहती चलो कल कद्दू खाया, आज फिर कद्दू दूसरे रूप से बना पर कद्दू ही आया, पर कल की बात कल में खाई पूरी हो गई ना, फिर कल वाली बात को आज क्यों मिलाती हो, कल भी वही आज भी वही, कल खाया वो पूरा हुआ दिन, आज आया है उसको स्वीकार करो। ऐसे करते करते हमारे संस्कारों का परिवर्तन किया, नहीं तो आप जानते हो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां आके सरेंडर हुई, खाने पीने का सवाल, पकौड़ा चाहिए, पूड़ियां चाहिए, फलाना चाहिए फलाना, मुख पर पोता नहीं क्या क्या सवाद थे, मम्मा ने सबका एक रस बना लिया, रोटी भी कैसी खानी है, भोजन सब्जी भी कैसी बनानी है, कैसी खानी है, ये संस्कारों का परिवर्तन ये मम्मा के प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे में आया। इस प्रकार हम तो कहेंगे मम्मा गुणों की खान थी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण मूर्ति। तो हम मम्मा के लिए और तो कुछ कहने विस्तार करती है तो बहुत है, सार मिलाओ तो सभी मम्मा में गुण थे। ओम शांति। पहली बाबा की वाणी सुनी तो उसकी ये फीलिंग थी तो मुझे सच्चा गीता ज्ञान भी मिल गया। फिर बाबा को क्या फील हुआ, मम्मा की दृष्टि पड़ी तो बाबा की ये फीलिंग थी कि यही मेरी बच्ची मेरी वारस बनेगी, ज्ञान की भी हकदार अधिकारी और साथ साथ स्थूल जो कुछ है उसकी ये वारस है। उसी समय से बाबा ने मम्मा को पहचान लिया और मम्मा ने बाबा को पहचान लिया, तब से मम्मा रोज पढ़ाई पढ़ने लगी, परंतु पढ़ाई के साथ साथ मम्मा के अंदर एक विशेषता थी ग्रहण करने की शक्ति, बाबा की वाणी को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेती थी और ऐसा समा करके स्वरूप बन करके फिर आने वाले जो भी आते थे तो बाबा मम्मा को कहता था कि मम्मा बच्ची ये ऐसे ऐसे जो आते हैं ना बुजुर्ग तो उनको तुम ज्ञान सुनाओ, सुना करके उनको भी बाबा का बना दो। तो मम्मा जिसको भी कोर्स कराती थी साधन का उस कोर्स में एक रूहानी फोर्स भर देती थी जिससे वो अपने जीवन का निर्णय कर लेते थे कि हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसी जीवन बनानी है। तो वो सिंध के लोग तो खाते थे पीते थे सब प्रकार में आगे थे, उनकी लाइफ में बहुत चेंज आने लगी। मम्मा ने जिनको भी कोर्स कराया वो फिर वापस उस पुरानी दुनिया में नहीं गया, ये मम्मा के कोर्स कराने की विशेषता थी। बाबा के मुरली के लिए बहुत प्यार और रिगार्ड था, तीन तीन बार ये बाबा के महावाक्य है, ये तो मम्मा की है पर ऐसे बाबा के हर रोज हम यहाँ सुनाते हैं, तो मम्मा तीन तीन बार वो महावाक्य सुनती थी पढ़ती थी और जो भी आते थे ना तो दृष्टि से भी सेवा करती थी, वचन से भी कर्म से, और बाबा को हर बात में उसने एक्यूरेट फॉलो किया, इसलिए वो जगत की अम्बा बन गई थी कुमारी, परंतु वो माँ बन गई और इतने बड़े यज्ञ के कारोबार को मम्मा ने बहुत ही प्रेम से प्यार से संभाला और अंत में जब गई है तो बहुत अपनी अच्छी अवस्था में गई है। मुरली का सार, मम्मा की जो वाणी है उसकी वाणी का सार है हिम्मत का आधार निश्चय है, निश्चय बुद्धि बनो तो समर्थि मन शक्ति सुत ही आ जाएंगी, ये एक ही लाइन में सार है। ओम शांति।
परम पिता परमात्मा के महावाक्य इस समय हम सभी बच्चे प्रैक्टिकल में सुन रहे हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सगे बच्चे और दूसरे हैं क्या कहेंगे, एक सगे एक लगे। तो सगे माना जो सपूत है, जो श्रीमत पर चलते हैं, धारणों में चलते हैं, उनको हम कहेंगे सगे, वो माना सपूत बच्चे हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो ये तो कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वो उनके मत पर नहीं चलते हैं, मन मत पर या पर मत पर। तो मम्मा कहते हैं कई बच्चे सगे और कई बच्चे लगे भी हैं। यह भगवान का कहना वो भी किसी एक्टिविटी के आधार पर है। भगवान ही बच्चों को समझाते हैं कि मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सगे हैं एक लगे हैं। वास्तव में लौकिक में भी माँ बाप के दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, कईयों को लगे बच्चे भी होते हैं और सगे बच्चे भी होते हैं। अगर किसी का बाप बड़े खानदान का होता है और बहुत प्रॉपर्टी वाला होता है तो उस बच्चे को अंतरक खुशी जरूर होती है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है। तो अगर बाप मालिक है तो बच्चे स्वतः ही मालिक हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी के हम भी मालिक हैं। और जो बाप की क्वालिफिकेशन होंगी, गुण जो बाप में होते हैं, उनको बच्चा स्वतः ही धारण करता है कि मेरा बाप क्या चाहता है, मेरे बाप में क्या क्या गुण है, तो बच्चा वो फॉलो करता है, हिम्मत रखता है, हर हालत में उसी तरीके से पुरुषार्थ की रफ्तार में चलेगा। इसमें पहले पहले निश्चय की आवश्यकता है। बाप में भी निश्चय चाहिए, ब्रह्मा बाप में भी निश्चय चाहिए और अपने आप में भी निश्चय चाहिए कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। और ये भी जानते हैं कि ऐसे बाप के पास हम आए हैं, पहले नहीं थे परंतु आए हैं, तो जरूर हमारे कुछ अगले जन्म के कर्म ऐसे हैं जिसके आधार से हमने ऐसे बाप के पास अलौकिक जन्म लिया है। लौकिक में भी ये स्मृति रहती है कि इतने बड़े बाप के घर में मैं कैसे आई हूँ, जरूर मेरे कर्म अच्छे होंगे, अगले जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया तब ऐसे बाप के पास मैं आई हूँ। तो हर एक अपने कर्मों के अनुसार अपना जन्म लेता है और उस अनुसार ही सुख भोगता है। ऐसे ही यहाँ भी जो सपूत सगे बच्चे हैं उनको पहले से ही अंतरक ये निश्चय जरूर होगा कि हमने ऐसे बाप के पास कल्प पूर्व के समान आकर के ये अलौकिक जन्म लिया है। किस लिए अलौकिक जन्म लिया है? 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए। तकदीरें जगी भी हैं और भविष्य के लिए बना भी रही हैं। कल्प पहले भी इस बेहद बाप के द्वारा हमने ये सब खजाने प्राप्त किए थे और अब फिर आए हैं प्राप्त करने के लिए, तो उनको अंतरक खुशी होती है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। हमारी तकदीर जो कल्प पहले थी वह तकदीर फिर से लेकर के आए हैं, क्योंकि ये चक्कर है, सृष्टि का चक्कर है। तो आज आप यहाँ बैठे हैं, 5000 वर्ष पहले भी आप इसी स्थान पर इसी नाम रूप से पहले भी थे। हिस्ट्री रिपीट, फिर से हम इसी स्थान पर यही बाप मम्मा की बोली हम सुनने के लिए इस नाम रूप में हम बैठे हुए हैं।
वह तकदीर फिर से लेने आए हैं। तकदीर के ऊपर अपना निश्चय चाहिए, बिना निश्चय के तकदीर कोई ले नहीं सकता है। सगे बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए, बल मार्ग पुरुषार्थी हैं। सभी कहेंगे तो हम मम्मा हम तो पुरुषार्थी हैं, तो पुरुषार्थी बच्चों के आगे कुछ छोटे छोटे माया के विघ्न भी आते हैं। विघ्न भी आने चाहिए जब भगवान के बनते हैं। प्रहलाद के आगे विघ्न आए, मीरा के आगे विघ्न आया, जो भी भगवान के रास्ते पर लगता है उनके सामने विघ्न आते ही है, ये भी एक कुदरत का लॉ है। तो मम्मा कहती है माया के विघ्न तो आएंगे ही, माया तो खूब लड़ेंगी, परंतु उनको निश्चय रहेगा कि हम तो उसके बच्चे हैं। कल्प पहले भी हमने ये अधिकार बाप से लिया था, अब हम लेके ही छोड़ेंगे, चाहे वो कितने ही उसके सामने विघ्न आ जाए, लेकिन जो श्रीमत मिलती है उस पर चलेगा और उस हक से अपना अधिकार भी ले लेगा। उनको हिम्मत आएंगी, उनको हिम्मत आएंगी जब ऐसा निश्चय होगा कि मैं कल्प पहले वाला हूं और ये वही मेरी चीज है जो मेरे से खो गई थी, वो मेरे को फिर से मिल रही है। तो बाप से जो ये चीज मिल जाती है उससे आत्मा की चरती कला हो जाती है। चरती कला तेरे भाने सर्व का भला, तो भगवान का बनना माना ही चरती कला। ये निश्चय हिम्मत दिलाता है, जिनों को ये निश्चय है उनको हिम्मत आती है अंदर से। जिनको ऐसा निश्चय नहीं होगा वो हिम्मत भी नहीं रखेंगे। हमारे नाव का खेवैया कौन है, उनको ये निश्चय है अंदर से कि वो स्वयं परम पिता परमात्मा ही है, वो हमारा बाप, वो हमारा टीचर और वो हमारा सतगुरु है। सतगुरु अर्थात गति सदगति दाता। निश्चय वाला इस ताकत से अपनी नाव को पार कर लेता है। ये जीवन की नैया है ना, वो विषय सागर से खीर सागर की तरफ जा रही है, कलयुग से सत्युग की तरफ। तो अगर निश्चय होगा तो हम अपने नाव को इस पार से उस पार ले जाएंगे। निश्चय के बगैर ऐसा पुरुषार्थ चल नहीं सकता है। ऐसा पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं मिल सकती। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है, इस जन्म के पुरुषार्थ से भविष्य की जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। उन्हों को ही जो प्रारब्ध नहीं पा सकते, पुरुषार्थ नहीं करते, उनको फिर क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ये लगे बच्चे हैं। बच्चे तो कहलाते अपने आप को, परंतु वो लगे हैं। है सारी बात निश्चय और हिम्मत पर। जो हिम्मत वाले हैं वो माया के किसी भी विघ्न में आकर हटेंगे नहीं, बाप का दर नहीं छोड़ेंगे। उनके संकल्प में ये दृढ़ निश्चय होगा। निश्चय भी बहुतों को हो जाता है, कहते हमको तो निश्चय है, पर निश्चय में दृढ़ता चाहिए। निश्चय से कोई हटा नहीं सके। तो हमारा हक है, हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, तो दृढ़ता हिम्मत और पुरुषार्थ का बल है। दृढ़ता जिसमें है उनमें हिम्मत और पुरुषार्थ का बल है, तो विजय उनके सदाई साथी है। भल माया के ये कांटे आते हैं, परंतु आखिरी विजय किसकी होंगी? माया के कांटे, माया के तूफान, माया के विघ्न आएंगे, परंतु आखिरी विजय किसकी होती है? हाँ, निश्चय बुद्धियों की। तो आपको पता है ना, ये कितने 60 साल से ईश्वरी विश्वविद्यालय चला आ रहा है और अनेक विघ्न, मैं एक नहीं कहती हूँ, क्योंकि एक तो बहनों माताओं की संस्था, एक नया निराला ज्ञान,
सारा कुछ सब कुछ नया है। तो जब भी सेवा के अर्थ बाहर निकले थे तो हर शहर के अंदर आर्य समाजों ने अलग हमारे से वो संग्राम क्या कहते हैं युद्ध किया, और दूसरा सनातन धर्म वालों ने किया, समाज के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने किया, कई लोग आए, कईयों ने क्वेश्चन आंसर किए कि ये क्या है, ये कहाँ से ज्ञान आया है, ये तुम्हारा कल्पना का ज्ञान है, बहुत 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 कहा। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये सब रास्ते की सीन सीनरियां हैं, तुम्हारा काम है बाबा के निश्चय के आधार पर बाबा का कार्य करते चलो, कोई भी विघ्न आता है निश्चय के आधार से टल जाता है। फिर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते थे जो बात मत पूछो, पर निश्चय के बल से और योग के बल से आए हुए तूफान सब टल गए। तो मम्मा कहती हैं बल माया के कांटे आते हैं परंतु आखिर विजय किसकी, जो बाप के मत पर चलते हैं। पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा उनका हाथ पकड़ा है बच्चों ने, फिर किसकी परवाह, भगवान मेरा साथी है तो आंधी और तूफान क्या कर सकता है। लेकिन निश्चय ही नहीं तो पुरुषार्थ में कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। उन्हें यह संशय का संकल्प रहता है कि पता नहीं ये परमात्मा का ज्ञान है या नहीं, ये मनुष्य का ज्ञान है या परमात्मा का ज्ञान है, उनको ये संशय थोड़ा रहता है। तो पहले से ही वो हार समझ लेते, अपनी हिम्मत का कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। बाकी तो बच्चों का पुरुषार्थ अंत तक चलता रहेगा, वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अंत तक चलता रहेगा। परंतु जो सपूत बच्चा होकर के रहते हैं, बहुत समय से लगातार ऐसी रफ्तार से चलते हैं, तेजी से, वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मनसा भी संकल्प आया तो कुछ कम हो जाता है, भाग्य कुछ कम हो जाता है, वाचा में आया तो कुछ और कम हो गया, और कर्मणा में आने से तो विकर्मी बन जाता है। निश्चय होगा तो मनसा भी अच्छी, वाचा भी अच्छी और कर्मणा भी अच्छी। तो ऐसे नहीं कि इस चढ़ाई को ही बड़ा कहना चाहिए, ये तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, हम कैसे चढ़ सकते हैं। मंजिल ऊंची है तो पाने के लिए भी हम समर्थ है। अगर मंजिल ऊंची है तो ले जाने वाला कौन, और वो क्या शक्ति हमको दे रहा है जिसके आधार से हम ऊपर जा रहे हैं।